हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ये जो क्वेश्चन है वो आप अगर देखें तो गेट 2023 सेट 2 में आया हुआ है, ठीक है। सोम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि आपके पास एक सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट है, ठीक है। स्पान कितना दिया हुआ? 5 मीटर का दिया हुआ है। फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर एंड, ठीक है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ये फिगर को ड्रॉ करते हैं तो दिस इज द सर्कुलर शाफ्ट, सो वी हैव टू मेंटेन द सर्कुलर, सो दिस इज सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है। फिक्स्ड एट दिस एंड, ए एंड पे फिक्स्ड है, बी एंड पे आपका क्या है? फ्री है, ठीक है। अ टॉर्क टी दैट इज 100 किलो न्यूटन मीटर इज अप्लाइड एट द फ्री एंड, ठीक है। फ्री एंड पे अगर हम देखें तो एक टॉर्क अप्लाइड है, ठीक है। सो टॉर्क इज गोइंग टू बी व्हाट? 100 किलो न्यूटन मीटर। नाउ द शियर मॉडुलस एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द सेक्शन इज डिनोटेड बाई जी एंड जे रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो गया आपका? जो शियर मॉडुलस आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसको इन्होंने जी से रिप्रेजेंट किया है, और जो आपका पोलर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाई जे। नाउ द टॉर्सनल रिजिडिटी, ठीक है, टॉर्सनल रिजिडिटी आपको पता है कि जी जे होता है, ठीक है, मतलब शियर मॉडुलस मल्टीप्लाइड विथ पोलर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, उसको हम क्या बोल देते हैं? टॉर्सनल रिजिडिटी बोलते हैं। एंड दिस इज गिवेन एज व्हाट? 50,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर रेडियन, ठीक है। नाउ हियर आर द फॉलोइंग आर रिपोर्टेड फॉर दिस शाफ्ट। इस शाफ्ट के रिगार्डिंग आपका दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट वन अगर देखें तो क्या दिया हुआ है? द रोटेशन एट द फ्री इंड इज 0.01 रेडियन। इसका मतलब क्या है? फ्री इंड जहां आपको दिख रहा है वहां पे आपको क्या निकालना है? रोटेशन निकालना है। और सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी आपको निकालना है, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे निकालनी है, एक आपका निकालना है रोटेशन एट द फ्री इंड और टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज रोटेशन, रोटेशन एट फ्री इंड, ठीक है, फ्री इंड पे आप रोटेशन क्या मुझे बोलेंगे, ठीक है। सो इट इफ आई एम डिनोटिंग द रोटेशन विथ फाई, ठीक है, नाउ डायरेक्ट फॉर्मूला इज देयर, टी दैट इज टॉर्सन मल्टीप्लाइड विद द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, बाय टॉर्सनल रिजिडिटी दैट इज जी इंटू जे, ठीक है। तो फाई का जो फॉर्मूला हो जाता है दैट इज द रोटेशन एट द फ्री इंड, ये आपका हो जाता है टी मल्टीप्लाइड विथ लेंथ बाई टॉर्सनल रिजिडिटी डैट इज नथिंग बट जी जे, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करते समय आप ध्यान रखिएगा कि ऑल वैल्यूज जो होना चाहिए ना सारे एक कंसिस्टेंट वे में होने चाहिए, ठीक है ना। जो आपका मे यूनिट है वो ऊपर नीचे सेम रहे, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। तो देखिए टी का वैल्यू आपका क्या है? 100 किलो न्यूटन मीटर। लेंथ अगर देखें तो लेंथ आपका कितना दिया हुआ था? लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है, तो 5 मीटर आ गया, ठीक है। गेट डिवाइडेड बाई जी जे आपका क्या है? 50,000, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर रेडियन, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये किलो न्यूटन मीटर ऑब्वियस सी बात है इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है। ये अगर देखे तो दिस कम्स आउट टू बी दिस, ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है दिस बिकम्स 0.01 रेडियन, ठीक है। तो आपके पास रोटेशन आ चुका है, ठीक है, एंड रोटेशन आपने निकाल लिया है फ्री एंड पे, ठीक है। अब आपको सेकेंड जो ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन में आपसे स्ट्रेन एनर्जी पूछा है, ठीक है ना। स्ट्रेन एनर्जी आपसे पूछा गया है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? आप अगर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला जैसे सेकेंड स्टेटमेंट देखे तो टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी आपसे पूछा है, ठीक है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा? टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, ये आपका क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है दिस इज नथिंग बट हाफ इंटू टॉर्क इंटू फाई, ठीक है, दैट इज हाफ। टी का वैल्यू आपका कितना है? 100, ठीक है, और फाई आपका आ चुका है 0.01, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाता है? 1/2 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो दिस बिकम्स 0.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो क्या क्या है। स्टेटमेंट फर्स्ट अगर देखें तो आपका फ्री इंड पे रोटेशन 0.01 रेडियन बोल रहा है, जो कि हमारा आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट ऑप्शन है डैट इज ट्रू,
ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखें तो टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी आपका 1 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है, जबकि हमारा कितना है 0.5 आया है। इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन आपका कितना हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ठीक है, ये ऑप्शन सही बैठ रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी आपका करेक्ट आंसर है।